बच्चों को सिखाए। आज हम लोग है कच्छ में। मुझे लास्ट 2 ईयर से आना था और फैमिली को लेके आना था, बट मैं फैमिली को लेके नहीं आ पाया क्योंकि ये जो हमारा ट्रिप है ये जल्दी जल्दी में हो गया। 3 या 4 दिन पहले प्लान बनाते हैं। फिर अभी आज हम लोग मॉर्निंग में 6 बजे हमारी फ्लाइट थी मुंबई से, टेंट्स जो इधर होटल्स होते टेंट्स के रण उत्सव में उधर आए थे। हम लोग ने चेक इन किया, 2 घंटे सोए क्योंकि पूरी रात नहीं सोए थे, मेरी आवाज से पता लग रहा होगा आपको। और अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे लोकल शॉपिंग करने। देखो कितना खुले यार आजू बाजू। तो अभी यहाँ पे कुछ कुछ चीजें लेंगे, मम्मी के लिए लूंगा, दीदी के लिए लूंगा, मेरे लिए लूंगा, दोस्तों के लिए भी कुछ मिलेगा तो उनके लिए भी लूंगा। तो देखते हैं क्या मिलता है हमारे लिए, क्योंकि मुझे तो इससे लगता है ज्यादा करके लड़कियों का ही बेस्ट मिलेगा यहाँ पे। गाइज हम लोग को एक लुक करना है, रन जो है वाइट रन, उसके लिए जाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और उसके लिए हम लोग एक लुक करने वाले, तो उसके लिए हम लोग एक चीज ढूंढ रहे हैं अभी। मतलब सिर ऊपर का जैकेट मिला है, अभी धोती टाइप कुछ ढूंढना है, फिर ज्वेलरी टाइप ढूंढना है, देन वो पगड़ी तो उधर ही कर लेंगे, नहीं तो पगड़ी भी ढूंढ ही लेते हैं। तो ये होगा तो बेस्ट फोटोशूट होगा। आई होप की सारी चीजें मिल जाए आपको। ये आउटफिट भी ये बहुत बेस्ट लग रहा है, है ना, इस पे भी अच्छा लग रहा है। गाइज हम लोग ने आज हद पार शॉपिंग कर ली है, जिस चीज की जरूरत नहीं थी वो शॉपिंग कर ली है। शूट के लिए चीजें ढूंढनी थी, उसमें 2-3 चीजें बाकी रह गई, पर दूसरे ही सारे घर वालों के लिए ये वो। मैंने और खुशी ने बहुत शॉपिंग की बाय द वे, और मैंने अपने लिए चीजें कुछ नहीं लिया अभी तक, फिर भी ज्यादा शॉपिंग हो गई। हाँ खुशी ने सब अपने लिए लिया और वो छोटी के लिए लिया, छोटी के लिए। और भी हमें और शॉपिंग करने का मन हो रहा है यार, अभी तक अपने पूरा मार्केट भी घुमानी है ना, वही लास्ट डे देखेंगे अभी। तुम कल मुले भी आएगा क्योंकि आज हम तीनों आए, मैं शुरूजल और खुशी, मिस्टर खुशी और मुले कल सुबह आएगा क्योंकि मुले उदयपुर है उसके शूट में प्रीवेडिंग के। तो वो मुझे बोला कि आज तो नहीं आ पाएगा, तो कल मॉर्निंग में 10-10:30 तक आ जाएगा। तो फिर कल से अपना प्रॉपर शूट भी स्टार्ट हो जाएगा, फोटो शूट वीडियोस जो है। बस गाइस जो वीडियोस अपन ने सोचे, जो कॉन्टेंट सोचा है वो बस बन जाए इधर, तो बहुत बेटर रहेगा। लेट्स सी होता है कि नहीं। चलो गाइस मैं आपको अपना रूम टूर कराता हूँ, बहुत प्यारा है। और मैं फर्स्ट टाइम ऐसे टेंट में रह रहा हूँ, और ये मैंने जैसे आपको बोला मुझे बहुत टाइम से कच्छ में आना था, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो यू दिस। कम ऑन। आई रिमेम्बर दोस डेज वी वर यंग एंड हैड नथिंग टू डू। सो यहाँ पे नॉर्मल बैठने के लिए जगह है, पता नहीं इतनी सारी कुर्सी क्यों रखी है क्योंकि रहने वाला इधर एक ही है। Sometimes we run out of words to say. ये मेरा रूम है जहाँ पे इतने अच्छे से सारी चीजें रखी गई है और लग भी नहीं रहा, मतलब इतना कि टेंट है, इतना ब्यूटीफुल टेंट। एंड देख सकते हो आप सारी चीजें है यहाँ पे, एंड यहाँ पे अंदर मेरे बैग्स रखे हुए हैं, और यहाँ पे थोड़ा रेडी वेडी होने के लिए जगह दी, मिरर दिया गया है अंदर वॉशरूम में। सो आई होप गाइज आपको ये पसंद आया होगा, मुझे तो बहुत पसंद आया। एंड अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है तो प्लीज आप भी एक बार विजिट करिए रण उत्सव में। ये मैं कोई प्रमोट करने के लिए नहीं बोल रहा, जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं वो चीज़ बोल रहा हूँ। आप अपने फैमिली के साथ भी आ सकते हो, सबके साथ आ सकते हो। रण थोड़ी देर के लिए रण जा रहे हैं, अभी देखना है उधर का माहौल कैसा है। शाम के टाइम पे तो वहाँ पे गर्दी होगी क्योंकि हमको तभी जाना है जब लोग नहीं रहेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ मैं देख के आ रहा स्पॉट, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ रण देखने के लिए, वाइट रण। मॉर्निंग में हम लोग जाएंगे जब मतलब शूट करने, अभी तो सिर्फ देखने जा रहा हूँ, हमको प्रॉपर शूट करना होगा ना, तो हम लोग मॉर्निंग में जाएंगे जल्दी उठ के, 5-5:30 बजे निकल ही जाएंगे क्योंकि मॉर्निंग में कोई रहेगा नहीं और हम लोग कर पाएंगे अच्छे से शूट। गाइस आज हमारी सवारी है, हमें रण पे लेके जाने वाली है। भरत अंकल आइए, ये हमारे भरत अंकल है, ये हमें आज एयरपोर्ट से इन्होंने आज पिक किया। भरत अंकल बोलो, कहीं तो बोलो, तुम्हें क्या ना कहना छो, यहाँ कच्छ ना छो, ओके भूजना छे भरत अंकल, थैंक यू, तुम्हें बहुत सारा छो, तुम्हें हमारा ध्यान रखो छो। चलो चलो मैम, अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। Just like a scene from a movie, living our life on the edge, and we'd never trip before. यहाँ पे अभी सनसेट हो रहा है, सनसेट देखिए, अभी देखना है वो सनराइज, और सनराइज के टाइम पे हमको भी कंटेंट शूट करना है, तो बस मैं देखना है क्योंकि मेरे से रहा नहीं जा रहा था, तो
एक राउंड तो मार के आए, क्योंकि अपने जो टेंट जो आप अपना होटल है वहाँ से सिर्फ ये तीन चार किलोमीटर है, और वो भी हम लोग आए उसमें खड़ी में आए। कल मैंने सोचा है ऐसे, कल नहीं मतलब परसों मॉर्निंग में ही आना पड़ेगा हमको जब मुले उले आ जाएगा। तो आज मैं पूरा सोच के रखता हूँ कि मुझे क्या क्या करना है क्या क्या नहीं। बहुत आवाज़ कर रहा है यहाँ पे, 40 या 45 किलोमीटर मतलब 40 या 45 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की बॉर्डर आती है। पहले वो उन्होंने कहा कि बहुत कीचड़ भी बीच में मतलब फंस जाने का थोड़े सीन्स है। तो बेसिकली हम इंडिया के एक कोने पे, और लुक एट दिस व्यू सनसेट, लाइक इंडिया बेस्ट सनसेट व्यू, मतलब ये इंडिया के बेस्ट सनसेट व्यू में आता है। वाइट एंड ऑरेंज, मतलब थोड़ा ऑरेंज टाइप ना, प्यारा लग रहा है यार, मेरा मन ही नहीं भर रहा। मैं जहाँ मतलब देख रहा हूँ अच्छा ही लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा है। आपको बता नहीं सकता गाइस, और एक बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, बता नहीं सकता। मैं बहुत एक्साइटेड था रेड आने के लिए, और मेरे को फैमिली के साथ आना था मोमोर दीदी को, बट कुछ नहीं, नेक्स्ट टाइम वापस विंटर में मैं यहाँ पे ज़रूर मोमोर सिस्टर को ज़रूर लाऊंगा। सैलून वैलून का काम है, तो दीदी थोड़ा काम में थी और मोम भी थोड़ा घर के काम में मतलब बिजी थी, इसलिए मैंने सोचा कि फैमिली ट्रिप करेंगे, फुर्सत से सारे दोस्तों को एंड घर वालों को इधर लेके आना है, और यहाँ पे दिखाना है लोग को भी कि यार कितना प्यारा है। देखो Give me your strength and show me your weakness. We're in this together now. We're in this together now. Give me your love and tell me your secrets. 'Cause we're in this together now. Yeah, we're in this together now. गाइस रंदे के आ गए हम लोग, बोलू ना इतना बेस्ट लगा ना, इतना बेस्ट। आई होप कि मैंने जितने भी शूट्स लिए होंगे सही से शूट किए होंगे और अच्छे से आए होंगे वो। तो अभी खुशी और सुजल तो वो जब हम लोग दोपहर को शॉपिंग करने गए थे तो उनकी कुछ चीज़ें बाकी थी वो वापस लेने गए। मैं वापस आया अपने रूम, अभी मैं रेस्ट करूँगा, देखूँगा कुछ बनाने जैसा है कि यहाँ पे थोड़े बहुत कॉन्टेंट ऐसे को देखूँगा, थोड़े कॉन्टेंट बनाने जैसे कुछ आइडियाज़ मिलते हैं तो ढूंढूंगा, अभी मेरे पास है थोड़ा टाइम तो वो काम कर लेता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, कल रात को हम लोग मतलब मैं सबसे पहले जाके सो गया था, मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी कल एंड थोड़ा कोल्ड हो गया था, तो रात को यहाँ से मेडिसिन ली, देन रात को सो गया 10 बजे। मॉर्निंग में उठा 7:30-8 बजे, सोचा था 6 बजे उठेंगे, 6-7 मतलब 6-6:30 बजे उठेंगे, थोड़ा इधर योगा का भी सेशन चलता है मॉर्निंग में तो वो देखूंगा, बट फर्स्ट डे था और बहुत टायर्ड था इसलिए मैं सो गया था। मुले अभी वो अभी मेरे ख्याल से 20-22 किलोमीटर ही दूर होगा, तो लगभग आधे घंटे में वो आ जाएगा, और फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, देन वी विल गो, आज एक प्यारी जगह है वहाँ पे चलेंगे। सो मैंने अपने कपड़े तो पहन लिए पूरे, देन फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, देन वी विल लीव। वाह, थैंक यू सो मच रुजल, यहाँ पे मेरा स्प्राउट डाइट बनाते हुए डाइट बोल बनाते हुए, थैंक यू सो मच रुजल। और उसको देखो अपना खाना ले लिया, खाकरा वाकरा काटिया। गाइस हम लोग अभी निकले ढोलावीरा के लिए, मुले जी भी आ चुके हैं, थोड़ा लेट हो गया हमको, 9:30 बजे निकलने वाले थे, अभी हमको 10:45 हो गया है, क्योंकि मुले का भी वेट कर रहे थे, फिर खाना वाना खाया सबने मिलके, फिर अभी निकल रहे हम लोग। बहुत प्यारा लोकेशन है जहाँ हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि बीच में रोड है और आजू बाजू पानी है, तो उधर जाके अच्छे अच्छे वीडियो शूट करने हैं एंड आपको भी दिखाना है कि वो जगह कैसी। आप नजारा देख रहे हो प्यारा, इस साइड भी पानी है और इस साइड भी पानी है, रोड ऑफ हेवन नाम है इसका। और गाइस ये बहुत जल्दी बना है, ये 1 साल हो गया इसको बने हुए और अभी वर्क इन प्रोग्रेस में चल रहा है, बट गाइस ये बहुत फास्ट में बना है, क्योंकि पहले काफी सारे लोग मतलब अगर जाते थे जहाँ पे हम लोग ढोलावीरा जा रहे हैं, वो लोग डायरेक्ट रण उत्सव से वो लोग ढोलावीरा जाने के, उनको 250 किलोमीटर लगता था, बट अभी ये रोड बन गया है तो अभी यहाँ से वो 89 किलोमीटर ही है अभी रण से मतलब ढोलावीरा जाने तक। अच्छा हुआ मतलब काफी दूर था तो अभी पास हो गया है, और वहाँ से जाने का यहाँ तक मतलब एक दिन में जाके भी आ सकते हैं और फिर उधर जाके और एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। और अब ये रोड देखो कितना प्यारा है, यहाँ पे थोड़ा टाइम रुकेंगे, 2-3 वीडियो भी शूट करेंगे, देन फिर हम लोग जाएंगे आगे ढोलावीरा। बहुत क्यूट लग रही है यार, फिट हो रही है ना, वेरी क्यूट, थैंक्स। आप रनिंग घूमने आए हो ना मैम? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये भाई थोड़ा
इतना मस्त फीलिंग दे रहा है, बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल। पानी कितना क्लियर है देखो, एकदम अंदर तक दिख रहा है। नहीं नहीं पानी क्लीन एकदम। यहाँ से हम लोग भी खाना खाएंगे, फिर इसके बाद हम लोग को 1 किलोमीटर ही दूर जाना है। गाइस एक बात बताना, इन लोग का खाना बहुत टेस्टी है, इतनी सारी चीज़ें बनाते ना ऐसा लगता है क्या खाए क्या खाए, और फिर मन नहीं भरता। रोज़ रोज़ तो जा नहीं सकते, अभी जितना खा सकता उतना खाऊंगा। क्यों ऐसे कपड़े पहने यार सुरजन? यार स्टाइल है। क्यों यार आउटफिट सही नहीं लग रहा? क्यों पता नहीं, इतना अच्छा तो पहना कलरफुल। नहीं 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 नया ना, खास नहीं है ना मुझे। अरे आपके आगे खास नहीं होगा ना? नहीं ऐसे भी इंग्लिश भारत भाई जी थी ना, लुकिंग सो प्रीटी। वहाँ से वापस अपने होटल आते हुए रोड टू हेवन से वापस, अभी हम लोग हाइटिंग करने आए। वहाँ पर मैंने आपको जैसे दोपहर को बोला बहुत अच्छा अच्छा खाना होता है, मैं आपको दिखाता हूँ देखना कितनी वेराइटीज होती है। क्या ले रहे हो तुम लोग? वेज सैंडविच। मैं नहीं खाता, मैं पाव नहीं खाता। आलू टिक्की चाट है भाई, ये सब खाली क्यों लग रहा है? खाली लग रहा है भाई, मेरे को लग रहा रोटी वोटी खाएंगे। अभी है ना हाइटिंग का टाइम, डिनर का नहीं। कल जहाँ पे दबेली मिला था वो ही है, पाव भाजी और आलू टिक्की चाट है। तो अब खा रहे हैं? कुछ नहीं, खा ले पाव भाजी। फिर आगे साथ में डिनर रहेगा। यार मैं बोल गया था हाइटी में खाना नहीं मिलता, अगर हम लोग ने दोपहर को लंच किया था ना, मुझे वो लगा वो है। और लंच तो हमने मिस कर दिया, कितने बजे तक रहता है लंच? और अपन लोग तो 3 बजे आना यहाँ पे, उनको बोलते ना हमारे तो दोपहर का बचा होगा ना। अरे ख़त्म तो पूरा हुआ नहीं होगा, पूछो मैं बहुत बहुत भूखा हूँ, मेरे को रोटी सब्जी प्रॉपर खाना है यार। और लग रहा है कि कुछ ज्यादा हो तो मुझे बोलना, मैं छोड़ दूंगी। बस कहाँ, बस पूरी आँख कहाँ हुई है? तो गाइस हमने ये लुक रेडी कर लिया है, और अभी चप्पल पहन के फिर हम लोग अपना क्या क्या लेना बाकी है, टर्बन बस। हाँ फिर सॉर्टेड रेडी, चलो हम लोग का शूट हो गया। मैंने एक सोचा था यार ड्रोन शूट वो सब, बट इधर ऐसा है कि पहले परमिशन लेनी पड़ती, फिर 3-4 दिन बाद वो परमिशन मिलते सा कुछ है, अप्रूवल आता है, तो ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, बट वो ड्रोन शूट नहीं ले पाए, तो जो वीडियो सोचा था वो तो नहीं बना पाए। हम लोग ने वो छकड़ा चलाते हुए वीडियो बनाया है, एक थोड़ा चालू वालू करते हुए, थोड़ा इधर जैसे वो लोग यूज टू है, मतलब जैसे वो लोग इधर के ट्रैवलर जो लोग आते तो वो लोग को छकड़े पे मतलब घुमाते, तो वो मैंने एक वीडियो लिया है, अभी वो एडिट वेडिट में देंगे, देखेंगे उसमें क्या कर पाते क्या नहीं, और थोड़ा पोस्ट वोस्ट करेंगे। प्लीज़ गाइस बताना मुझे कि ये लुक कैसा है, अगर आपने देखा होगा लुक मुझे बताना प्लीज़ कि कैसा है लुक, और कैसे दिख रहा हूँ मैं, जच रहा है नहीं मेरे पे। अभी खाना वाना खा लिया, आज का पूरा शूट खत्म करके अभी फेस्टिवल देखने गए थे, बट हम लोग ज्यादा लेट हो गए तो वो पूरा अटेंड भी नहीं कर पाए देखने गए, बट वो बंद हो गया, तो अभी आके हम लोग अभी सोएंगे, देन फिर हमको मॉर्निंग में 9 या 9:30 तक निकलना है, तो फिर हमको 7:30 बजे तक उठना पड़ेगा, 8:15 तक रेडी होना पड़ेगा, फिर ब्रेकफास्ट करके हम लोग 9 बजे निकलेंगे। कल हम लोग एक बेस्ट प्लेस पे जाने वाले,
करेंगे ढेर सारा। हम लोग उसके लिए ही जल्दी उठते हैं सुबह कि हमारा ब्रेकफास्ट मिस ना हो, क्योंकि यहाँ का ब्रेकफास्ट बहुत स्वादिष्ट होता है। ब्रेकफास्ट से लेके लंच से लेके डिनर को लेके तीनों चीज। तो आज हम लोग आए हैं कड़ियात्रो, जो यहाँ की एक नई खूबसूरती है। और हम लोग जहाँ पे आए हैं ये है ग्रैंड कैनियन का इंडियन वर्जन। कुछ अलग शहरों में भी है और अपने इंडिया में भी है। तो चलो देखते हैं, मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो चलो आगे देखते हैं कि क्या क्या देखें। इधर बहुत धूप है आप देख सकते हो, और ऊपर से मैंने ब्लैक पहना है तो और धूप लग रही है। और ज़्यादा लोग भी नहीं है, बट जगह बहुत प्यारी है। अगर यहाँ पे हम लोग शाम को आते ना, बहुत मतलब बहुत बेस्ट लगता है, और बेस्ट लोकेशन भी ऐसी। बट यहाँ से हमको लगता है निकलना पड़ेगा क्योंकि बहुत धूप है, और तो इससे अच्छे हम लोग अभी निकलेंगे। मेरे ख्याल से ज़्यादा करके यहाँ पे शाम को ही आते होंगे लोग। Thank you for being here. बहुत बहुत धन्यवाद।